Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how neurogenic tumor like neurofibroma looks on MRI of LS spine. Okay, neurogenic tumor कैसा दिखता है, इंट्राड्यूरल है और एक्स्ट्रा मेडुलरी है. ठीक है, यहाँ पे ये सबसे पहले तो बता दूं कि सेक्रलाइज है और इसका काउंटिंग यहाँ पे आ रहा है D10. तो ये जो लीजन है D10 लेवल पे न्यूरोजेनिक ट्यूमर है, मोस्टली इट्स ए न्यूरोफाइब्रोमा. T2 पे हाइपर इंटेंस है, ये फर्स्ट सीक्वेंस है T2. ओके, ये राइट टू लेफ्ट हम जा रहे हैं. ये वाला लीजन है, कॉर्ड को भी कंप्रेस कर रहा है. ऐसे केसेस में आपको कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए. ओके, क्योंकि मेनिंजोमा है, न्यूरोफाइब्रोमा है, आफ्टर कॉन्ट्रास्ट कैसे एनहांसमेंट आता है उसके ऊपर फाइनल डायग्नोसिस डिपेंड रहता है. ठीक है, तो ये D10 लेवल पे T2 में ये हाइपर इंटेंस लीजन है और ये T1 सेकंड ये सीक्वेंस है T1, इसमें आइसो इंटेंस है. ये वाला देखिए आप, ये वाला छोटा सा लीजन है, साइज अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 सेंटीमीटर है. ठीक है, राइट टू लेफ्ट T1 में ऐसा दिखेगा आइसो इंटेंस, T2 में हाइपर है. अभी ये स्टर सीक्वेंस है, ये वाला लीजन है. ठीक है, यहां पे कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है, इसमें भी हाइपर इंटेंस दिख रहा है. और ये फोर्ट वाला जो है ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि एनहांसमेंट है बट माइल्ड टू मॉडरेट एनहांसमेंट है. मेनिंजोमा में कभी कभी बहुत इंटेंस एनहांसमेंट रहता है. तो मोस्टली ये न्यूरोजेनिक ट्यूमर तो है ही, बट मोस्टली न्यूरोफाइब्रोमा फर्स्ट पॉसिबिलिटी बता सकते हैं. ठीक है, तो ये T1 फैट सेट पोस्ट कॉन्ट्रास्ट है, देखिए एनहांसमेंट है ये लीजन में. अभी मैं सेम सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ, एक कोरोनल स्टर, एक्सियल T2, एक्सियल T1 और एक्सियल पोस्ट कॉन्ट्रास्ट पे कैसा दिखता है. ठीक है, सबसे पहले मैं कॉन्ट्रास्ट वाला नहीं, ये कोरोनल स्टर है, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट. ये कोरोनल स्टर सीक्वेंस है, यहाँ पे ये वाला लीजन है. ओके, और ये यहाँ पे पोस्ट कॉन्ट्रास्ट, ये फैट सेट T1 सीक्वेंस है. ऐसा लीजन कभी भी आपको दिखता है तो आपको कॉन्ट्रास्ट जरूर करना चाहिए, छोड़ मत देना विदाउट कॉन्ट्रास्ट. पेशेंट को समझाना कि ये दिक्कत है तो कॉन्ट्रास्ट जरूरी है. क्योंकि एनहांसमेंट पैटर्न आफ्टर कॉन्ट्रास्ट ही पता चलेगा कि वो लीजन है वो कितना कॉन्ट्रास्ट को पी जाता है. ओके, सिंपल लैंग्वेज में बोले, अभी एक्सियल वाला आपको दिखा दूं, एक्सियल T2, एक्सियल T1 एंड एक्सियल पोस्ट कॉन्ट्रास्ट. ये वाला फर्स्ट सीक्वेंस, ये वाला एक्सियल T2. पेशेंट को 10 डेज से कंप्लेन है बैकएक एंड उसके बाद वॉकिंग इम्बैलेंस हुआ. तो सही सी बात है कि उसका कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉर्ड कंप्रेशन लीजन ये जो है पूरा कॉर्ड कंप्रेस कर रहा है, तो उसको कॉर्ड में भी सिग्नल है, वो हिसाब से वॉकिंग इम्बैलेंस एक्सप्लेन हो सकता है. ठीक है, ये D10 लेवल पे आ गया, ये वाला लीजन है पूरा. और ये सेकंड सीक्वेंस है T1, यहां पे हम आ गए, ये वाला लीजन है आइसो इंटेंस. अब
अभी लास्ट वाला जो अपना है पोस्ट कॉन्ट्रास्ट T1 वेटेड, ये वाला पोस्ट कॉन्ट्रास्ट T1 वेटेड 5 ml कॉन्ट्रास्ट मैंने दिया है सिर्फ गैडोलिनियम। कभी कभी जरूरत पड़े ना तो आपको फिएस्टा सीक्वेंस ले सकते हो, हैवीली T2 वेटेड सीक्वेंस फिएस्टा। इसमें फिएस्टा बोलते हैं कि इसमें CISS भी बोलते हैं, सब मशीन में अलग रहता है। ये तीनों पोस्ट कॉन्ट्रास्ट, इसका एनहांसमेंट है लीजन में। कॉन्ट्रास्ट कभी कभी कोई नहीं भी मानता है तो ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी दे सकते हैं और रिपोर्ट में कॉन्ट्रास्ट सजेस्टेड, कॉन्ट्रास्ट स्टडीज नीडेड, कॉन्ट्रास्ट स्टडी सजेस्टेड ऐसा लिख देते हैं। फिर ये वाला है पूरा एनहांसिंग, सो न्यूरोजेनिक ट्यूमर ऐसा दिखता है। लंबर स्पाइन स्कैन किया है इसको MRI। ये कोरोनल है, उसके बोन में भी एडिमा है, मतलब कुछ ऑस्टियोपोरोटिक वेजिंग उसको होगा। मतलब एजेड पेशेंट है तो हाइपरट्रॉफी मतलब रहता ही है, जनरलाइज फैसलर आर्थ्रोपैथी, लिगामेंटम फ्लेवम थिकनिंग वगैरह सब कुछ उसको है। ये वाला है लीजन, ओके। बोन में एडिमा, ये भी एनहांस हुआ है क्योंकि एडिमा है। ये वाला अभी लास्ट हमारा एक्जियल, 5 ml कॉन्ट्रास्ट दिया है मैंने सिर्फ, और नॉर्मल सलाइन है उसको 10 ml NS पुश किया है। फिर कोई कोई जगह पे 8 ml भी देते हैं, कोई कोई 10 ml भी देते हैं, बट यहाँ पे ये तो इतना इनफ है मेरे हिसाब से, 5 ml कॉन्ट्रास्ट इनफ है। तो ये था हमारा केस न्यूरोजेनिक ट्यूमर न्यूरोफाइब्रोमा वाला। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।